hanikarak bhi. इसमें थोड़ा सा ह्यूमर है, एक अच्छी कहानी है. इसमें एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा जो है नसबंदी, जो आज तक टेलीविजन में इस प्रकार का जो कोई भी शो दिखाया नहीं गया है. क्योंकि हमारे इंडिया में नसबंदी बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है और उसको रिलेट किया जाता है विद बीइंग अ मैन. एक मर्द को मर्द कहलाया जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ एंड बिकॉज ऑफ विरिलिटी एंड बिकॉज ऑफ व्हाट ही कैन डू प्रोड्यूस. लेकिन एक मर्द बिना इस चीज़ के भी मर्द है. बिकॉज सिर्फ बच्चे पैदा करना मर्दानगी नहीं है. एग्जैक्टली. यू नो, लोगों का ध्यान रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, दूसरों का स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, दैट इज मर्दानगी, असली मर्दानगी. 25 साल से दो दो बीवियों का राज जो हमने छुपा के रखा था, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या उंगली कर दी, पर्दाफाश हो गया. अब हम दो दो बीवियों को कैसे संभालेंगे? हे भोलेनाथ, एक एक पुष्पा जैसे गांव की गाय, दूसरी देवी ना जैसे बंदूक की ठाए ठाए. अरे चुप रहिए पिताजी, 25 साल से हमारी अम्मा आपका इंतजार कर रही थी. 25 साल हम पिता के साए को तरस रहे और यहाँ आप दूसरा घर बना के बैठे हुए हैं. कुछ भी हो जाए पिताजी, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे. जो बका, मुझे तो तुम्हें देखकर ही पता चल गया था तुम्हारा खानदान कैसा होगा. और तुम अपने पापा को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम तो 7 बच्चों के बाप होते हुए भी लड़कियां छेड़ते हो और ऊपर से दूसरी शादी के लिए स्वयंवर भी रचा रहे थे. मेरा बस चलता ना तो मैं तो तुम्हारी नसबंदी कर दूँ.